एंड दी प्राइस दैट इज तो मतलब शॉकिंग তিনটে গাড়ি রাম হয়েছে লোকাল ফিল্টার লাগিয়েছিল খরচা বেড়ে গেছে ভালোই খরচা তখন পুরো ব্লক হয়ে যায় পুরো ইঞ্জিন সিজ হয়ে যায় মে বাতাউঙ্গা দিস ইজ দ্য বেস্ট সার্ভিস সেন্টার এভার ইফ ইউ ওয়ান্ট দ্য বেস্ট থিং ফর ইয়োর বাইক আপকো শায়দ সে 2 রুপে জ্যাদা খরচা করনা পড়েগা লেকিন আপকো আপকি বাইক বেস্ট রহেগি सो हेलो माई YouTube फैमिली, वेलकम टू अनादर वीडियो ऑफ बाइकर अस्त्रा। आज होने वाला है एक सर्विस व्लॉग जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी मैं अपना जो बाइक है वो 5400 किलोमीटर्स चली है, तो वी आर गोइंग टू गेट इट सर्विस्ड राइट नाउ एंड आई विल टेल यू कि व्हाट इज़ द कॉस्ट दैट इज़ कमिंग अप। एंड दिस इज माई 6th पेड सर्विस। माई बाइक हैज़ बीन रिडन 5411 किलोमीटर्स टिल नाउ। जो लास्ट सर्विस हुई थी वो हुई थी 3556 किलोमीटर्स पे, तो ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर्स कवर हो चुके हैं बाइक पे, तो इसलिए मैं अब इसको सर्विस कराने जा रहा हूँ। देखो देखो वो देखो वो देखो वो देखो, रेड सिग्नल पे क्रॉस कर जा रहा है ऐसे पागल की तरह। वो रहा राइट साइड में हमारा यामा का सर्विस सेंटर। सो हेलो गाइस, देख सकते हो आ गया हूँ मैं यामा के सर्विस सेंटर पे। मेरी गाड़ी अभी नंबर 2 पे है लाइन पे, और अभी सबसे पहले हम लोग को देखना है कि ये जो मेरी सर्विसिंग हो रही है दिस विल बी माय 6th पेड सर्विस। तो गाइस आज हम लोग देखेंगे कि जो यामाहा का पेड सर्विस है उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें लोग कवर करेंगे एंड उसका कितना कॉस्ट पड़ेगा, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट जो पड़ेगा हम लोग को इसको सर्विस कराने में। तो इस वीडियो को आप लोग गाइज एंड तक देखिए, पूरा स्किप मत करना, कुछ भी स्किप करोगे तो आपका मिस हो जाएगा। और यही प्यार बनाए रखे, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, सिर्फ फिर आपको सब पता चल जाएगा। तो चलिए अभी थोड़ी देर वेट करते हैं एंड उसके बाद आपको अंदर दिखाते हैं। चलो गाइज, मेरे पास चेन क्लीनर नहीं था, चेन लूप था मेरे पास, तो मेरी चेन बहुत दिन से क्लीन नहीं हुई थी, तो इसलिए आई हैव बॉट अ चेन क्लीनर, देख सकते हो। तो अभी ये खरीद लिया, अभी हम लोग दे देंगे और अभी हमारी चेन क्लीन होगी, उसके बाद चेन लूप तो है ही। तो चल तो ये रहे সিদ্ধার্থদা, সিদ্ধার্থদা আমাদের গাড়ি সার্ভিস করবে এবার। সো গাইজ अभी हमारी बाइक हो रही है सर्विस एंड आई लेट मी टेल यू द बेस्ट थिंग अबाउट दिस सर्विस सेंटर, वो है कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो काम हो रहा है वो एकदम आपकी आँखों के सामने हो रहा है, ठीक है। हम खुद यहाँ पे क्या, हम एकदम आगे तक आके आपको यहाँ पे जो काम हो रहा है पूरा सामने से दिखा सकते हैं कि काम हो रहा है, ठीक है। तो देर इज़ नो स्कोप कि कोई आपसे कोई भी फ्रॉड करे, कोई आपसे कोई चीज़ बिना बताए चोरी चपाटी करके ले ले। दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस सर्विस सेंटर दैट आई कैन सी हियर। और मैं जब से ये बाइक ख़रीदा हूँ मैं यहाँ पे आया हूँ हमेशा से अपनी सर्विस कराने के लिए एंड माई बाइक हैज़ बीन टॉप नॉच, एक भी कुछ प्रॉब्लम अभी तक मेरी बाइक में नहीं आई है। इतनी सुपर्ब, इतनी सेक्सी बाइक चलती है मेरी, बस इसीलिए बिकॉज टाइम टू टाइम और पीरियोडिकली हम लोगों ने इसकी सर्विस कराई है। तो इसका जो लोकेशन है ये तो मैं आपको डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। एज अ कस्टमर मैं बताऊँगा दिस इज़ द बेस्ट सर्विस सेंटर एवर। तो अगर आपको अपनी बाइक की ऐसी सर्विस करानी है जिसमें आप निश्चिंत होकर घर जाओगे कि भाई मेरी सर्विस एकदम बेस्ट हुई है, मेरे को कोई हेडेक लेने का ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ दिस सर्विस सेंटर। देखो हमारी चेन क्लीन हुई थी लेकिन সিদ্ধার্থদা बोले कि हमको अपनी तरह से चेन क्लीन करना है, तो वो स्पेशल चेन क्लीन की एकदम अच्छे से एकदम। देखो नाउ इट्स टाइम फॉर चेन लूप। अभी जो चेन का स्लैकनेस है वो एडजस्ट हो रहा है। देखो न्यू ऑयल फिल्टर, देखो ये प्रॉपर वे है।
इंजन वाले भेजी देते हैं ना এতে যাবে যদি ফিল্টার চেঞ্জ হয় হ্যাঁ তবে যাবে 900 আর ফিল্টার না চেঞ্জ হলে তবে 850 আচ্ছা আচ্ছা অনেকে কি করে ফিল্টার চেঞ্জ করে তো ও 850 দিয়ে দেয় কেউ 1 লিটার দিয়ে দেয় এতে কি হয় অয়েল সিলগুলো মানে রাখতে পায় না মোবিল তখন অয়েল সিলগুলোকে ফাটিয়ে দেয় আচ্ছা ইঞ্জিনের সাউন্ড চেঞ্জ হয়ে যায় যতটা দেবো ততটাই দিতে হবে এতে 1 লিটার 100 গ্রাম বাদ দিয়ে দিল इसलिए 100 ग्राम वहाँ पे ऑलरेडी निकाल के रख लिया उसके बाद क्योंकि हमारे ये ऑयल फिल्टर भी चेंज हुआ है उसमें भी गया है उसके बाद बाकी अंदर बाइक में अच्छा हमें बोलो तो ये जो फिल्टर तो भी चेंज कर लेते हैं ये जो बाहर थे कि लगाना की प्रॉब्लम है जो ओरिजिनल फिल्टर है तो ठीक है मोबाइल फिल्टर और जो लोकल फिल्टर जो कागजर जो कैपासिटी धरे रखा से मोबाइल जो प्रेसारे उठे से क्यों करे মোচড় খাইয়ে দেয় মানে দুমড়ে দেয় দুমড়ে দিয়ে হেডে মোবিল না উঠলে সিলিন্ডার পিস্টন রকার সব নষ্ট হয়ে যাবে এরকম এখানেও হয়েছিল তিনটে গাড়ি এরকম হয়েছিল লোকাল ফিল্টার লাগিয়েছিল খরচা বেড়ে গেছে ভালোই খরচা তখন পুরো ব্লক হয়ে যায় পুরো ইঞ্জিন সিজ হয়ে যায় হেডে না মোবিল উঠলে একবার দেখো চমকনে কে বাদ পলিশ কে বাদ তুমি যা বাইক চমকে দিয়েছো আর এটা চালানো যাবে না বাড়িতে রেখে দিতে হবে বাড়িতে রেখে এটা শোরুমে দিয়ে দিলে নতুনে বিক্রি হয়ে যাবে এটা চাবি অফ করে ওটা নরমাল অবস্থায় ব্যাটারি ভোল্টটা দেখে নিতে হবে আচ্ছা নেগেটিভ পজিটিভ তারটা ঠেকিয়ে দিলাম হ্যাঁ কত আছে 1300 13.69 হ্যাঁ চাবি অন করলাম চাবিগুলো কতটা নাপজে দেখতে হবে ঠিকই আছে নাপজে এবার সিস্টেম অন হয়ে গেল অন হওয়ার পর সেল মারবে 12ই নাপ 12 নাপ ফের অফ করলাম ফের অন করলাম 11ই নাপ ফের অফ করলাম ফের অন করলাম 11ই নাপ ফের অফ করলাম ফের অন করলাম 12ই নাপ যদি এটা লো এবার পিক আপ দিয়ে দেখতে হবে নর্মালি 1400 13 14 15 যদি 1400 25 30 1500 না ঠকা 1500 হয়ে গেলে ব্যাটারি ওভারচার্জ দিচ্ছে আর যদি লোড দেওয়ার পর যদি 6-7 নেবে যায় তাহলে ব্যাটারি চোখ বন্ধ করে চেঞ্জ করে আর পিক আপ ব্যাটারি খারাপ অবস্থায় গাড়ি স্টার্ট করার পর পিক আপ দিলে 1400 উঠতে হবে যদি 1400 না হয় তাহলে 2.5 মিনিটও দেখতে হবে গাড়ি ঠিক আছে ব্যাটারি একদম ঠিক আছে सोरी गाइज हमारी सर्विसिंग इज़ डन अभी हम लोग लास्ट हम लोग जो करेंगे दैट इज़ FI स्टेशन बोल के जो सॉफ्टवेयर है उसमें यू चेक योर बाइक्स हेल्थ एंड कंडीशन जैसे नॉर्मली हम लोग अपना रेगुलर चेकअप करते हैं वैसे ही इसमें भी चेकअप होगा आई विल शो यू दी सिस्टम कैसा है ये देखो एंड वंस दैट इज़ डन तो आपको पूरा बाइक का सब मिल जाएगा मतलब पूरा एक रिपोर्ट कार्ड मिलेगी ऐसे रिपोर्ट कार्ड होती है पूरा ऐसे रिपोर्ट कार्ड मिलेगी सब कुछ सही सही है कि नहीं सब कुछ जब तक सही नहीं होगा तब तक वहाँ पर वो गुड हेल्थ शो नहीं करेगा सो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग जो आपको सिर्फ ऑथोराइज सर्विस सेंटर में ही मिलेगा और यहाँ पे भी देखो कितना अच्छा है अगर नहीं आप ये किसी ने कराया है तो यू गेट वॉशिंग फॉर फ्री ठीक है तो मतलब ये हमेशा से आपको मिलेगा ही मिलेगा 100% दैट इज़ देयर तो ये चीज़ है यहाँ पे ये देखो ऐसा पूरा आपको सिस्टम में ऐसा दिखेगा सब एक के बाद एक चेकिंग हो रही है सब एक के बाद एक सिस्टम में दिखा रहा है टायर में हवा भरी जा रही है एंड दिस इज़ द लास्ट थिंग जो अभी होगी आफ्टर दैट वो चला के देखेंगे थोड़ा कि सब सही है कि नहीं एंड देन हम लोग यहाँ से निकलेंगे टायर प्रेशर देखो पीछे 33 एंड सामने 29 देखो अभी शुभ तो बाहर लेके जा रहे हैं थोड़ा चेक करेंगे बाइक तो मैं एक चीज़ आप लोग से बहुत एकदम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ 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 अगर आप लोग अपना बाइक को सही रखना है तो बाहर से सर्विस मत कराइए क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है क्या फेस करना पड़ सकता है आपको और कितना नुकसान हो सकता है वो आपको श्रीता दाई बताएंगे श्रीता एक बोलो तो लोके रोम कि बाहर थे लोके तो सबाई भाई जो बाहर थे एक सर्विस को ही नबो और कम दामे हमारे सर्विस हो जाए तो कि दरकार सर्विस सेंटर इसे सर्विस करानो टाकाटा बेचे हाँ टाका चले जाए हमें टाका बाची नहीं बाहर थे सर्विस को नब तो ये कि होते कि असुविधा ফেস করে যা তুমি কি কি দেখেছো তোমার সামনে কি কি এরকম হতে বাইরে থেকে সার্ভিস গাড়িটা আপনার গাড়িটা শখের গাড়ি আমার মনে হয় গাড়িটা সার্ভিস সেন্টারে জেনুইন লোকের কাছে সার্ভিস করাটাই বেটার জেনুইন যে গাড়ি কাজ জানে
এবার বাইরে থেকে সার্ভিস করলে কি হয়, লোকাল পার্টস দিয়ে দেয়, লোকাল মাল দিয়ে দেয়। যেমন মোবিল ফিল্টারের কথাটা বললাম, এয়ার ফিল্টারের কথাটা বললাম, ডিস্ক প্যাডের কথাটা বললাম। এরপরে কি হয়, নল যদি লোকাল কিছু লাগাই ইঞ্জিনের প্রবলেম হয়ে যাবে, গাড়ির স্মুথনেস চলে যাবে। এবার না, টাইট ফাইটের ব্যাপার থাকে, চেন অ্যাডজাস্টিংয়ের ব্যাপার থাকে, এটা যদি প্রপারলি কেউ না জানে তাহলে আপনার গাড়িটা মনে হবে ইয়ামার বদনাম হয়ে যাবে, যে এই গাড়িটা ভালো না। কিন্তু আদৌ গাড়িটা ভালো কিন্তু জেনুইন লোকের হাতে পড়েনি বলেই গাড়িটার নামে সমস্যাটা তৈরি হয়েছে। আমি মনে করি জেনুইন লোকের কাছে আর ওয়ার্কশপটি করানোটাই বেটার। আর এখানে কলকাতায় তোমার কোথায় কোথায় বাকি আর ওয়ার্কশপ আছে? মানে আমার তো কেন কি মনে, আমি যাই না তোমার মতন, আমি কাউকে পাইনি, তুমি এরকমভাবে সার্ভিস করো তো আর কোথায় কোথায় সার্ভিস আছে? একটা তো আমি তো বলবো কেউ হলে সুচিত্রার কাছে এসেই সার্ভিস করাতে, আমার তো আর আমি অন্য কোনো প্রান্তে চলে গেলে তোমার কাছে আসবো সার্ভিস করাতে, ঠিক আছে? কিন্তু আর কি কি আর কোথায় 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 আছে? আর কোথায় আছে, বাগুইহাটিতে আছে, আর হচ্ছে পার্ক সার্কাস চায়না টাউনের ওখানে আছে, ভেলোসিটি। আচ্ছা, এই দুটো আছে হয়তো, আর এদিকে কোথাও নেই না, এই দুটো আছে। কিন্তু না, এটা খুব ভালো লাগলো, আর এইগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। আর তুমি যেরকমভাবে সার্ভিস করো আমি সত্যি বলছি, মানে শুধু বলার জন্য না, আমি স্টার্টিং থেকে তোমার কাছেই করি আসছি। এই যারা আমাকে দেখছে, যারা তোমাকে দেখছে, আমি মোটা থেকে এখন রোগা হয়ে গেলাম, এখন আমি এনার কাছেই সার্ভিস করাচ্ছি, ঠিক আছে? তো এরম সার্ভিস আর কোথাও পাওয়া যায় না। তো না, ঠিক আছে সুচিত্রদা, থ্যাংক ইউ, ঠিক আছে? আর এরমই কারো দরকার পড়লে তোমার নাম্বারও শেয়ার করে দেবো, তোমার থেকে ওরা যোগাযোগ করে নেবে, হেল্প করে নেবে। তো ঠিক আছে গাইস, তোমার ফোন করে আমাকে জানিয়ে দেবে, আমি প্রবলেমগুলো যতটা পারি ফোনে সলভ করে দেওয়ার চেষ্টা করব। একদম। তো গাইজ, আপ লোক নে সুন লিয়া সুচিত্রদা সে ভি, অর কাফি আচ্ছা বাইক কা ভি হামারি সার্ভিস হো গই হ্যায়। আব হাম লোগ নিকলেঙ্গে অর ঘর কি তরফ জায়েঙ্গে, আপকো থোড়া সা বাইক রাইড ভি দিখা দেঙ্গে, অর কিতনি স্মুথ হো গই হ্যায়, সাউন্ড হো গয়া হ্যায়, ভো সব আপকো জাতে বক্ত সুনা দেঙ্গে। তো ওয়ান্স আগেন থ্যাংক ইউ সো মাচ সুচিত্রদা, ঠিক আছে? চলো গাইজ, হাম লোগ অভি নিকলতে অর আপকো মিলতে রোড পে। আগর আপ লোগ কো আচ্ছা লাগা ইয়ে ভিডিও, জরুর সে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব কর দেনা টু বাইকার আস্ত্রা, এন্ড রাইড হার্ড রাইড সেফ, মিলতে হ্যায় রাস্তে মে। চলো গাইজ, ওয়েনেভার ইউ আর হিয়ার, ইফ ইউ ওয়ান্ট দি বেস্ট থিং ফর ইয়োর বাইক, आपको शायद से 2 रुपये ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन आपको आपकी बाइक बेस्ट रहेगी, ठीक है? तो वो चीज़ आप नहीं देख सकते, आप बाहर से कराओगे आपका शायद 2 रुपये कम लगेगा, लेकिन आपको इन द लॉन्ग रन आपको वहाँ पे 1000 रुपये निकल जाएगा। तो ये गलती कभी मत करना, मैं ये चीज़ आप लोग सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये गलती ज़िंदगी में कभी मत करना, हमेशा ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही सर्विस कराना। ये वाला सर्विस सेंटर मैं बोल रहा हूँ मेरे लिए, मेरे को ये बेस्ट लगा है, मेरे को बाकी का नहीं पता, मैं स्टार्टिंग से यहीं पर आता हूँ। तो आप लोग अगर कभी जो भी यहाँ पर पॉल ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर यामाहा का आता है यहाँ पे, आप लोग भी कमेंट करके बताओ कि आप लोग को यहाँ का सर्विस कैसा लगता है, क्योंकि मेरे को तो यहाँ का सर्विस बेस्ट लगता है। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, अभी हम लोग निकल रहे हैं, आपको रास्ते का थोड़ा व्यू दिखाएंगे, सुचित्रदा ने हमारी गाड़ी निकाल दी है। सो दोस्तों, मेरी सर्विस हो गई है बाइक, और देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है एकदम, ठीक है? एकदम न्यू, ब्रांड न्यू, एंड इतनी सुंदर लग रही है, एकदम चमक रही है बाइक सब तरफ से एकदम। देखो, मेरे को तो रास्ते में इसको लेके आने का मन ही नहीं कर रहा, इतनी प्यारी लग रही है बाइक। तो एयर फिल्टर जो है वो, और जब 2000 मेरी चल जाएगी बाइक, देन वील चेंज द एयर फिल्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप लोग को इससे कुछ भी जो जानकारी आप लोग को चाहिए थी वो मिली हो, तो ज़रूर से हमें बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए, बहुत ज़रूरत है अभी। वी आर नाउ हेडिंग टुवर्ड्स 400 सब्सक्राइबर्स, वी विल बी 400 फैमिली स्ट्रॉन्ग, एंड संडे को एक बहुत स्पेशल राइड होने वाली है, तो संडे के लिए भी ज़रूर से आप लोग एक्साइटेड, तो मैं तो बहुत ज़्यादा हूँ, आई डोंट नो आप लोग कितने एक्साइटेड होंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, अभी घर जाते हैं, जाके थोड़ा बाइक को सजा के साफ सुथरा करके रखते हैं, एंड हम लोग निकालते हैं उसको संडे राइड पे। तो ज़रूर से गाइज, अगर आप लोग अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा, डू फॉलो बाइकर अस्त्रा फॉर मोर, एवरी डे 11 बजे एक शॉर्ट वीडियो अपलोड होती है, एंड एवरी वीक एक लॉन्ग राइड वीडियो अपलोड होती है। वील ट्राई कि हम लोग और ज़्यादा इंटरेक्शन करें अपने दोस्तों से, और ज़्यादा इंटरेक्शन करें प्यारे प्यारे बच्चों से, आप लोगों से कनेक्टेड रहे, आप लोग के लिए नई नई वीडियोज़ हमेशा लाते रहें, तो ये चीज़ हमेशा हमारी कोशिश रहेगी। एंड आई नो कि शायद अभी हम लोग इतना बेटर नहीं है, बट वील डेफिनेटली ट्राई टू बी द बेस्ट वन डे। तो उसके लिए भी आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए, हम आपके लिए नए नए वीडियोज़ लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, लव यू ऑल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग ने जितना प्यार दिया उसके लिए, ऐसे ही करते रहिए, मिलते हैं आपसे एक अगले ब्लॉग में, राइड हार्ड राइड सेफ, इंजॉय गाइज। सो गाइज, फाइनली घर आ चुके हैं, और ये है मेरे हाथ में जो बिल है। सबसे पहले तो आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार कि क्या क्या मैंने करवाए हैं, जो यामाहा का इंजन ऑयल चेंज, उसके बाद आपका ऑयल क्लीनर, और मैंने चेन क्लीनर एक वहाँ से परचेज़ किया, ठीक है? पेड सर्विस इंक्लूडिंग वॉशिंग,
उसका चार्ज है 500 रुपये लगा है। जो आपका स्पोर्टी प्रीमियम जो आपका इंजन ऑयल है वो आपका 530 का पड़ा है, और उसके बाद ऑयल क्लीनर जो है 247, एंड योर चेन लूप जो चेन क्लीनर जो मैंने ख़रीदा है 150। टोटल मिला के आप विश्वास नहीं करोगे, द प्राइस इज़ 1517 ओनली। सो दिस इज़ द सर्विस कॉस्ट जो मेरे को पड़ा, पेड सर्विस, सिक्स सर्विस। हाँ, भले ही मैंने उसमें जस्ट जो आपको एसेंशियल जो चीज़ें हैं मैंने वो कराई है, चेन लूप मेरे पास खुद से थी तो मैंने वही उनको दिया है। तो ये दिस इज़ द कॉस्ट 1517। आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ कि FI स्टेशन में जो आपका रिपोर्ट निकली है वो कैसे दिखती है। लेट्स शो यू द FI स्टेशन का रिपोर्ट। देखो, दिस इज़ द FI स्टेशन रिपोर्ट। इसमें आपको सब दिख जाएगा कि आपका बैटरी वोल्टेज कितना है, आपका इंटेक एयर टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेंसर, थ्रॉटल पोजीशन, इंटेक एयर, इग्निशन टाइमिंग, इंजन कूलेंट सब। और यहाँ पे आपका रिजल्ट देखो नॉर्मल, तो ये चीज़ आपको इसमें दिख जाती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक रिजल्ट। तो ये जो है, ये अगर नहीं होगा ना तो आपका बाइक को आपको पता नहीं चलेगा कि जो सर्विस तो कर दी लेकिन अब वो सही है कि नहीं, वो तो जो कंप्यूटर तो झूठ नहीं बोलेगी। तो देख सकते हो कि इतनी बवाल सर्विस हुई है, इतनी अच्छी सर्विस हुई, एंड दी प्राइस दैट इज़ तो मतलब शॉकिंग। ठीक है, 1517 इज़ नथिंग कम्पेयर टू, अगर आप अदर बाइक्स जाओगे तो आपका आराम से 2500-3000 रुपये खर्चा हो जाएगा कोई भी, मतलब अगर स्पोर्टी जो बाइक्स होती है वो। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो आज का वीडियो। तो ज़रूर से अगर आपको कुछ इसमें से हेल्प मिला होगा ये वीडियो देख के, अगर आप चाहते हो कि ऐसे वीडियोज़ और बनाए ज़रूर से बताना। आपका भाई हमेशा आपके लिए ऐसे वीडियोज़ बनाता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राइड हार्ड, राइड सेफ। बाय गाइस।